हेलो एवरीवन हम सबको ये तो पता है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक मर्केंटाइल लॉ है लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये बोरो कहाँ से किया गया था चलिए मैं आपको बताती हूँ ये बोरो किया गया था यूनाइटेड किंगडम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1893 से तो ये तो हमें पता चल गया लेकिन क्या आपको पता है आज मैं यहाँ पर आई हूँ so, like आज मैं फिर से आई हूँ हमारी रेफरेंस बुक सीरीज के साथ और जो सब्जेक्ट में टेकअप करने जा रही हूँ वो है सेल्स ऑफ एक्ट सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट और बेस्ट बुक से जो कि है डॉक्टर आर के बांग्या की बुक मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी इस बुक के बारे में डिस्कशन किया है जब मैं कॉन्ट्रैक्ट और तौर जैसे सब्जेक्ट डील कर रही थी अब फिर से मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इस बुक के बारे में आपको बताऊंगी अगर आप बिगनर और आप पहली बार सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना चाह रहे हैं तो आप आर के बाग्या को ऑप्ट कर सकते हैं ये बुक काफी ल्यूसिड और लेमैन लैंग्वेज में है काफी इजी टू अंडरस्टैंड है अगर आप इनडेप्थ अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्पुअल क्लैरिटी चाहते हैं तो आप इस बुक को ऑफ कर सकते हैं इसमें आपको केस लॉस और इलेक्स्ट्रेशन भी मिल जाएंगे सो फॉर बिगिनर्स एंड फॉर पर्सन स्टार्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम दिस इज अ मस्ट गो ऑप्शन अब चलते हैं अपनी दूसरी बुक की तरफ जो कि है डॉक्टर अवतार सिंह की बुक ये बुक अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं किसी भी बुक से जो आपको अच्छी लगती है और आप थोड़ा लेवल ऑफ स्टडी करना चाहते हैं या फिर अगर आपको कहीं पर भी ग्रे एरियाज हैं कॉन्सेप्ट्स में तब आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं दिस इज अ रेफरेंस बुक और इसकी क्वालिटीज इस ये सारी है ये काफी डिटेल स्टडी है और कंसेप्ट लाइक गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स भी इस बुक में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं इसमें अंडरलाइन फंडामेंटल्स केस लॉज स्टैचूटरी लॉज आपको सब मिलेंगे साथ ही साथ अमेंडमेंट्स के बाद जो भी चेंजेस आते हैं वो सारी चीजें भी इस बुक में आपको अपडेटेड फॉर्म में मिल जाएंगी सो इन दैट केस दिस इज अ मस्ट गो ऑप्शन अगर ये आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है अब चलते हैं अपने नेक्स्ट बुक की तरफ जो कि है मुल्ला जी की बुक ये बेसिकली एक कमेंट्री है और काफी हाई लेवल है ये स्टूडेंट्स के लिए रेफरेंस या पढ़ने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगी बेसिकली ये लॉयर्स या अकेडमिशियंस या ऐसी फॉर्म जिस फील्ड में काम कर रही हूँ वहां के काम करने के लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल है कमेंट्री फॉर्म में दी गई है और यहाँ पर क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे अब आगे चलते हैं ये है अदर बुक्स जो कि बेसिकली मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि गाइड्स इन केस आपको शॉर्ट स्टडी करनी है या आपको सारा मैटर एक दिन पहले चाहिए अपने एग्जाम्स वगैरह क्लियर करने के लिए तो आप इन अदर बुक्स को या गाइड्स को रिफर कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट अब आगे चलते हैं अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड हो और आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप वहां का स्टडी मॉड्यूल ऑप्ट कर सकते हो जैसे कि हम अपने स्टूडेंट्स को ये स्टडी मॉड्यूल देते हैं इसे ऑप्ट आप करके आपको दो फायदे हैं आपको सारा रिसर्च कंटेंट एक जगह कंसाइज फॉर्म में मिल जाएगा जो आपकी प्रिलिमिनरी की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा साथ ही साथ मेंस एग्जामिनेशन की आंसर राइटिंग में भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी तो ये था मेरा वीडियो सेल्स ऑफ गुडसैक के ऊपर अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू